नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर क्लास में आप सभी का स्वागत हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस के यूनिट 4 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है, पंथ निरपेक्षता क्या होती है, विविधता में एकता क्या होती है, जाति प्रथा के क्या क्या दोष हैं, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य क्या है, वगैरह वगैरह, इन सभी प्रश्नों के ऊपर हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब होता है किसी भी देश की एकता। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ किसी एक राष्ट्र अथवा किसी एक देश में रहने वाले निवासियों के बीच में जाति, धर्म, क्षेत्र या भाषा का भेदभाव नहीं होना चाहिए और वो भेदभाव किए बिना सभी के सुख दुख की एकता की भावना का ही उनके मन में विचार होना चाहिए। यह बात आती है राष्ट्रीय एकीकरण में। तो आगे बात समझ में आप लोगों के कि राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ किसी एक राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना सुख और दुख की एकता की भावना का होना ही राष्ट्रीय एकीकरण होता है। अगला था पंथ निरपेक्षता क्या होती है। पंथ निरपेक्षता का आशय प्रत्येक धर्म के अनुयायी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, किसी भी धर्म से संबंधित हो, धर्म निरपेक्षता का आशय होता है कि किसी भी धर्म के अनुयायी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार पूजा उपासना कर सकता है, उससे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। विविधता में एकता। विविधता में एकता का अर्थ होता है कि भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, उसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कई भाषाएं बोली जाती है, सभी राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति, अपने अपने त्यौहार हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो एकता दिखाई पड़ती है कि सभी अपने देश भारत के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। तो विविधता में एकता का अर्थ होता है कि लोगों में वेशभूषा, खाना पीना, रहने के तौर तरीके, पूजा पाठ की पद्धति में अंतर होने के बावजूद भी जहाँ पर राष्ट्रीय हित की भावना आती है, देश हित की भावना आती है, वहाँ पर पूरा भारत एक हो जाता है। इसे ही कहते हैं विविधता में एकता। चाहे लोगों के धर्म अलग अलग हो, चाहे लोगों की भाषा अलग हो, चाहे उनकी संस्कृति, उनके वेशभूषा, कल्चर सभी अलग हो, लेकिन देश हित के लिए सभी व्यक्ति एकजुट होकर साथ में आ जाते हैं। जाति प्रथा के दोष। जाति प्रथा एक बहुत ही बड़ा कुप्रभाव, कुदोष जो भारत में विद्यमान है वो हमको देखने को मिलता है। मतलब समाज जो होता है वो कई जातियों में अलग अलग विभक्त हो जाता है, जिससे राष्ट्र की एकता में बाधकता उत्पन्न होती है। तो जाति प्रथा के प्रमुख दोष में जाति व्यवस्था समाज को उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बांटती है। उच्च वर्ग अलग हो जाता है, निम्न वर्ग अलग हो जाता है। बड़ी जातियाँ जो होती है, उच्च जातियाँ, वह छोटी जातियों का शोषण करती है। जातिगत भेदभाव कठोर हो जाते हैं। जातियों का जो दबाव होता है वह राजनीति को भी प्रभावित करता है। और जाति प्रथा से देश की एकता, आर्थिक प्रगति, उसके विकास में बाधा आती है। तो जाति प्रथा के कुछ प्रमुख दोष हैं कि जाति प्रथा जो होती है समाज को दो वर्गों में बांट देती है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, भेदभाव एक दूसरे से भेदभाव करने लगते हैं, उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करने लगता है और देश की एकता और आर्थिक प्रगति उससे अवरुद्ध हो जाती है, विकास रुक जाता है। अगला प्रश्न आता है मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। जब भारत स्वतंत्र हुआ और जब भारत का संविधान बना, उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब केवल भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकार मतलब मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त है। मूल अधिकार जो है वह अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक जो मूल अधिकार आते हैं, समानता का अधिकार, शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध समानता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक शिक्षण संस्थाओं का जो अधिकार होता है वह, ये सभी जो अधिकार हैं, मूल अधिकार जो है वह भारत के संविधान में लोगों को प्राप्त है। समानता का मतलब कानून के समक्ष सभी लोगों को समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में यह कहा गया है कि भाई लोक नियोजन के अवसरों में समानता दी जाएगी, मतलब कि नौकरियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इसके अलावा भारत का नागरिक भारत के किसी भी राज्य में रहने के लिए स्वतंत्र है, अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह देश के विरोधी विचार नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वह भाग 3 में दिए गए हैं अनुच्छेद 14 से, जो नागरिकों को विकास के अवसर प्रदान करते हैं। समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय सभी के प्रावधान उसमें दिए गए हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत समाज का कमजोर वर्ग SC, ST और OBC वर्ग थे उसको संरक्षण प्राप्त है। प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म, अपनी भाषा आदि की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, निवास करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो कहीं पर भी घूमने और फिरने की स्वतंत्रता प्राप्त है, निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, संघ बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके अलावा ये तो स्वतंत्रता के अधिकार हो गए, और उपाधियों का अंत कर दिया गया है, और किसी भी प्रकार की उपाधि कोई धारण नहीं कर सकता है। कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए गए हैं। नौकरियों में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन राज्य चाहे तो आरक्षण प्रदान कर सकता है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की पूजा पाठ उपासना करने का अधिकार है। धार्मिक संस्थाओं को भी, शिक्षण संस्थाओं में को भी सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। मूल कर्तव्य जो हैं वह रूस से लिए गए हैं, और मूल कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होती। जैसे मूल कर्तव्य क्या है, हमको हमारे राष्ट्रीय हित के जो स्मारक है उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, जीव जंतुओं की सुरक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीकों की हमको सम्मान करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये सब सभी नागरिकों को भारत की एकता और अखंडता हेतु राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। ये हमारे मूल कर्तव्य होते हैं। सभी लोगों को अपने भाई बहन के समान मानना चाहिए, अहिंसात्मक नीति अपनानी चाहिए। तो ये कुछ मूल कर्तव्य हैं जो संविधान ने हमको दिए। पृथकतावाद, पृथकतावाद का अर्थ देश से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करना पृथकतावाद कहलाता है। क्षेत्रवाद की अति आक्रामकता ही पृथकतावाद को जन्म देती है। कई जाति और भाषा के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी उपेक्षा महसूस करने पर वह अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करने लगते हैं, और देश के अंदर रहने वाले कुछ लोग भी अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ लोगों को बहका कर अलग राज्य की मांग करवा देते हैं, जिससे राष्ट्र विरोधी कट्टरपंथी लोग हिंसक साधनों और आतंकवादी तरीकों का भी उपयोग करते हैं। यह कहलाता है पृथकतावाद। राष्ट्रीय एकीकरण के सहायक तत्व, एक राष्ट्र की एकता में क्या क्या सहायक तत्व होने चाहिए। सबसे पहला होता है समान मौलिक अधिकार। भारत में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं सभी नागरिकों को समान मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे भारत के एकीकरण हुआ। समान मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और सभी नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य जो रूस से लिए गए हैं समस्त नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। भारत की एकता अखंडता हेतु राष्ट्र की सेवा को सदैव तत्पर रहना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत में रहने वाले किसी भी धर्म के अनुयायी को अपने धर्म की पूजा उपासना करने का अधिकार है। समान प्रतीक चिन्ह, भारत के रहने वाले सभी नागरिक और सभी राज्यों को एक समान राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, सभी राष्ट्रगीत सभी एक जैसे हैं, अतः ये राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय एकीकरण को बल प्रदान करते हैं। एक होता है पर्यटन, पर्यटन में हम
एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे की विशेषता और समस्याओं को समझते हैं, जिसके कारण समान भाव विचार दृष्टिकोण विकसित होता है। लास्ट प्रश्न आता है राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व। राष्ट्रीय एकता में कौन कौन से बाधक तत्व होते हैं? सांप्रदायिकता होती है, इसमें दो धर्म समुदाय आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। भाषावाद होती है, अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा है, तो उत्तरी भारत के लोग दक्षिण भारत में अगर तमिलनाडु में जाते हैं तो वहाँ पर हिंदी नहीं बोलने दिया जाता, तो इस प्रकार से वो राष्ट्रीय से अधिक अपने राज्य हित को अधिक प्राथमिकता देने लगते हैं। जातिवाद है, आतंकवाद है, पृथकतावाद है, तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो राष्ट्रीय एकता में बाधक बनते हैं। तो इस प्रकार ये आपके लेसन नंबर 4 राष्ट्रीय एकीकरण यहाँ पर कंप्लीट होता है। भारत में 250 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन 22 भाषाओं को ही इन्होंने मान्यता दे रखी है। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये आपका लेसन नंबर 4। इस लेसन को 2 या 3 बार देखोगे तो सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।